जुबेदा खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 13 10th क्लास फिजिक्स का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स का जो है वो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने जा रहे हैं। द फोर्स ऑफ द रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस ऑफ 0.8 न्यूटन व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। यानी वो उनके दरमियान फासला जो है वो 0.1 मीटर है और जो पॉजिटिव चार्ज है आइडेंटिकल वो है 0.8 न्यूटन। गिवन डाटा क्या है, फोर्स दी हुई है 0.8 न्यूटन और जो उसमें डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 0.1 मीटर और जो उसमें के की वैल्यू है वो है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और जो है वो सी माइनस टू। फाइंड आउट आपने क्या करना है जी, Q1, Q2 और Q जो है ये फाइंड आपने करनी है। फार्मूला हम पुट करेंगे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर और यहाँ पे जी ये Q1 Q2 और Q जो है वो सारे सेम हैं तो इसको हमने अरेंजमेंट ऐसा किया कि ये मल्टीप्लीकेशन हो गई, ये बन गया R स्क्वायर F इज इक्वल टू के Q2 और फिर उसके बाद यहाँ से हमने Q2 की वैल्यू निकाल ली। Q2 इज इक्वल टू ये डिवाइड हो जाएगा बोथ साइड पे, R स्क्वायर F ओवर K आ जाएगा। उसके बाद हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, R की वैल्यू भी हमारे पास थी, F की वैल्यू भी है और K की वैल्यू भी हमारे पास है, वो हमने पुट की और उसको सॉल्व किया। Thank you.